हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजस्थान के लाइव मौसम अपडेट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं शाम 5 बजे के मौसमी आकलन के अनुसार देखा जाए तो आज रात राजस्थान के किन किन जिलों में होने वाली हैं भारी बारिश की गतिविधियाँ और किन किन जिलों में तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ होने वाली हैं। साथ ही बात करेंगे अगले 24 से 48 घंटों के लिए मौसम विभाग ने किन किन जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और राजस्थान के किन किन जिलों में होने वाली हैं भारी बारिश की गतिविधियाँ। तो वर्तमान में देखा जाए तो राजस्थान के किन किन इलाकों में किन किन मौसमी सिस्टमों के प्रभाव से हो रही है बारिश की गतिविधियाँ। विशेषतः देखा जाए तो जैसलमेर के पश्चिमी भागों से सटे पाकिस्तान के आसपास एक सर्कुलेशन WD के प्रभाव से बना हुआ है और इसी सर्कुलेशन से एक ट्रफ देखा जाए तो वर्तमान में बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर एरिया जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश की सीमाओं के सटे इलाकों के आसपास केंद्रित है। इसी सिस्टमों के प्रभाव से आज राजस्थान के मध्य, उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान के अंदर कहीं की मध्यम से तेज तो पश्चिमी राजस्थान के अंदर आपको खंड बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी और आज रात होते होते कहीं कहीं इलाकों में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। कल यानी 7 जुलाई को संपूर्ण राजस्थान के अंदर आपको मानसून सक्रिय नजर आएगा और कहीं कहीं इलाकों में मध्यम से तेज तो कहीं कहीं जिलों में भारी बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। विशेषतः देखा जाए तो वर्तमान में इसी सिस्टमों के प्रभाव से अरब सागरीय शाखा से आने वाली नमी और WD के साथ आने वाली नमी के प्रभाव से राजस्थान के कई इलाकों में मध्यम से तेज तो कई इलाकों में भारी बारिश की गतिविधियां होने वाली हैं। विशेषतः देखा जाए तो राजस्थान के मध्य, दक्षिणी, उत्तरी जिलों के आसपास कहीं की भारी बारिश की गतिविधियां और पूर्वी व दक्षिणी जिलों में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने वाली हैं। मुख्यतः देखा जाए तो राजस्थान के उत्तरी इलाकों से शुरुआत करें तो श्री गंगानगर के आसपास के इलाकों में वर्तमान में घने बादलों के साथ हल्की बारिश की गतिविधियां, तो दक्षिणी गंगानगर के आसपास के इलाकों की बात करें तो इन क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। गोसाईपुर के आसपास से लगाकर श्री गंगानगर, सूरजगढ़, हनुमानगढ़ मध्य संपूर्ण इलाकों में हमारे वर्तमान में बादल नजर आ रहे हैं और कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियां दक्षिणी गंगानगर के आसपास देखने को मिल रही हैं। खाजवाला, रावला मंडी, गरसाना से लगाकर महाजन, सतासर, अजीत माता, लोनकरनसर, पुंगल से लगाकर अमरपुरा, बीकानेर के आसपास लगाकर गोसाई नगर से लगाकर मध्यम से तेज, तो श्री कोलायत, देनौक, कोसोर से लगाकर नोखा, सिनार, साकू के आसपास देखा जाए तो इन संपूर्ण क्षेत्र में मध्यम से तेज तो कहीं कहीं इलाकों में भारी बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में देखने को मिल रही है। बाप, फलोदी, टेकरा से लगाकर पोकरण, देसू के आसपास आज रात बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं और कहीं कहीं इलाकों में मध्यम से तेज तो कहीं कहीं इलाकों में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। ओसिया, सुकलिया, तलासी लगाकर शेरगढ़, फनियाना, फलसूड, हरवा, पाटोदी, कल्याणपुर, आगुलाई, जोधपुर तक देखा जाए तो इन संपूर्ण क्षेत्र में मध्यम से तेज तो कहीं कहीं इलाकों में भारी बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। भोपालगढ़, मेरता सिटी, बिलाड़ा के आसपास देखा जाए तो कल रात इन क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां दर्ज गई। पिछले 24 घंटों के अंदर देखा जाए तो राजस्थान में सबसे ज्यादा बारिश की गतिविधियां बिलाड़ा के आसपास के इलाकों में दर्ज की गई। अजमेर, पिसागन, ब्यावर के आसपास वर्तमान में बादल नजर आ रहे हैं और इन क्षेत्रों में आज रात मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में देखने को मिलेगी। फुलेरा, रेवन्नर से लगाकर श्री माधोपुर, विराटनगर, अलवर, कोटपुतली, जयपुर के आसपास के इलाकों में संपूर्ण इलाकों में मध्यम से तेज तो कहीं कहीं इलाकों में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने वाली हैं और आज रात की बात करें जयपुर के आसपास के संपूर्ण इलाकों में मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। ये बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में रहेगी। कल से इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और कहीं कहीं इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां जयपुर संभाग, भरतपुर संभाग से लगाकर कोटा संभाग के कई इलाकों में देखने को मिल सकती हैं। उदयपुर संभाग के आसपास के इलाकों की बात करें तो इन क्षेत्रों में वर्तमान में खंड बारिश के रूप में घने बादलों के साथ बारिश की गतिविधियां उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ के इलाकों में देखने को मिल रही है और आज रात से इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां और बढ़ती हुई नजर आएगी। कल से इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है और 8 जुलाई के आसपास देखा जाए तो इन क्षेत्रों में भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में देखने को मिल सकती हैं। तो दोस्तों, वर्तमान में देखा जाए तो बारिश की गतिविधियां जोधपुर के कुछ इलाकों में, जैसलमेर के सटे इलाकों में, बीकानेर, श्रीगंगानगर के कई इलाकों में, हनुमानगढ़, सुरू, झुंझुनू के कई इलाकों में खंड बारिश की गतिविधियां, तो जयपुर के आसपास मध्यम से तेज, तो अजमेर के आसपास भी कहीं कहीं खंड बारिश की गतिविधियां और उदयपुर संभाग के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में देखने को मिल रही है और आज रात धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां कोटा संभाग की ओर बढ़ने वाली है। वर्तमान में देखा जाए मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाकों में भारी बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में देखने को मिल रही है और गुजरात व महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में भी आज रात से बारिश की गतिविधियां और बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि अरब सागर के अंदर भी एक सर्कुलेशन बना हुआ है जिसके प्रभाव से इन क्षेत्र में लगातार नमी पहुंचने के कारण इन क्षेत्र में भारी बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। तो दोस्तों, मौसम तक राजस्थान DRT चैनल पर अब के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।